दोस्तों हमारे शास्त्रों में खाना कैसे खाना चाहिए ये भी नियम बनाया गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक थे आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिस्तर पर खाना खाने से आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। ये छोटी बातें हैं लेकिन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, सच्ची बातें हैं। नंबर एक, बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से बुद्धि कमजोर होती है। आलस्य आपके शरीर में हमेशा बना रहता है, आप आलसी हो जाते हैं। नंबर दो, बिस्तर पर खाना खाने से आपके शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा घटती है। नंबर तीन, आपके शरीर में वीर्य पतला हो जाता है। नंबर चार, आपका कर्ज बढ़ता जाता है। नंबर पांच, आप तनाव आने लगता है। नंबर छह, आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। नंबर सात, आपको डिप्रेशन आने लगता है। नंबर आठ, वंश वृद्धि रुक जाती है। नंबर नौ, भाग्य उदय नहीं होता। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु के सिर नहीं है पर वो बहुत बलशाली है। वो आंतरिक और आध्यात्मिक बुद्धि का प्रतीक है। धर्म की तरफ ले जाने वाले केतु ही हैं। केतु प्रभावित व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, उसमें दया करुणा दान पुण्य की भावना बहुत होती है। राहु पूर्णतः भौतिक सुखों में रहने वाला ग्रह है। राहु और केतु का निचला भाग होने से केतु को बुद्धिहीन बताया है। ऊपर का हिस्सा मस्तिष्क राहु है जो बुद्धि का कारक ग्रह है। राहु प्रभावित जातक को धन के प्रति बहुत रुझान होता है, चाहे वह पाप कर्म से आए चाहे वह पुण्य कर्म से आए। इसमें आत्मविश्वास बहुत होता है और शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को केतु का ही रूप बताया गया है। वैसे भी केतु के अधिपति श्री गणेश ही हैं। राहु काल सर्प प्रतिदोष का प्रभाव और दुष्प्रभाव, फायदे नुकसान जानने के लिए आपको इनकी प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहिए, ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।